झरना में नहा के मजा आ गया, ठंडी भी लग रही है, दोनों पूरा गीला हो गई। सो गाइस आज हमने घर से निकले हैं जाने के लिए तामिनी घाट और बारिश को एंजॉय करने के लिए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने स्टार्ट करे जर्नी जाने के लिए एक घाट एरिया जहां पे कि हमने देखेंगे बहुत सारे वाटरफॉल्स। तो चलिए फ्रेंड्स विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सुनो बादल देखी क्या? हाँ। मजा आ गया, बारिश हो रही, मैंने बारिश को खाया। ठीक सो गाइस आज हमने घर से निकले हैं जाने के लिए तामिनी घाट और बारिश को एंजॉय करने के लिए। हमने आधा रास्ता आ चुके हैं, आज यहाँ पे रुके हैं। देखिए बाहर में कितना बादल है, बारिश के लिए हाथ में पानी गिर रही है। और यहाँ पे देखिए जो माउंटेन है एकदम बादल भरा हुआ है, वहाँ पे देखिए एकदम अंधेरा अंधेरा दिख रही है। आज छुट्टी है तो सब लोग आ रहे हैं, आज इसी रास्ते पे जा रहे हैं तामिनी घाट घूमने के लिए। बच्चे और फैमिली भी बहुत सारे जा रही है, हम भी आए हैं आज ऐसे ही बारिश को एंजॉय करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं टूवर्ड्स तामिनी घाट और आप लोगों को ब्लॉग में ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। सो गाइस देखिए कितना तेज़ बारिश हो रही है, हम लोग सब छाता निकले हैं, छाता निकाल के अभी जा रहे हैं। यहाँ पे पास में कुछ तो कैंपिंग वगैरह हो रही है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वो कौन सा कैंपिंग हो रही है। मेरे हाथ में ये छाता है और पापा जी और सुनो भी वो छाता पकड़ के जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं। हमको ये जगह मिला जिसमें कि थोड़ा एक स्प्रिंग है यहाँ पे, वहाँ तो सब लोग देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, यहाँ पे क्या है हम देखते हैं। सुनो को मजा आ रही है ना, यहाँ पे पानी भी बह रही है, सुनो का आज बहुत फ्रॉग फ्रॉग की जैसे जंप कर रही है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मस्त व्यू, हम कितने देखिए हम बहुत हाइट पर आगे अभी आए हैं, वो जो गेट है ना बहुत डाउन में है और अभी हमने बहुत हाइट पर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत नेचुरल सराउंडिंग है, सब लोग आके भीग भीग के जा रही है, लेकिन हमने छाता पकड़ी है क्योंकि मेरे हाथ में यहाँ पे मोबाइल है और यहाँ पे कैमरा है, इसलिए मुझे छाता पकड़ना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, यहाँ पे कुछ है तो देखते हैं। तो गाइस इसी रास्ते पे हम हर जगह पे देखेंगे वाटरफॉल। तो यहाँ पे पानी और आगे जाना है हम लोगों को। यहाँ पे सुनु चेक कर रही है कि हम कितने ऊपर पर हैं और बहुत हाइट पर हैं, वो नीचे देख रही है झांक के। और दोस्तों देखिए बहुत सुंदर सा नजारा है, एकदम ब्यूटीफुल, काले काले बादल है माउंटेन का ऊपर। और मैं थोड़ा आप लोगों को आगे दिखाऊंगी, एक जो माउंटेन है ना उसके ऊपर एक छोटा सा रिजॉर्ट भी है तो देख सकते हैं। और नीचे जो एक डैम दिख रही है कितना सुंदर लग रहा है। सो गाइस फाइनली आके हम लोग भी पहुंच गए हैं कि बड़ा सा वाला के झरना के पास। देखिए कितना मस्त आ रही है, ब्यूटीफुल झरना है ये। तो पापा एंड सुनो वहां तक गए हैं, ले फ्रेंड्स हम भी चलते हैं उनके साथ कंपनी देते हैं। एक खाता एडा भीड़ में
बहुत मजा आ गया यहाँ पे झरना पे आके। देखिए बहुत नेचुरल सीन देखे, और झरना भी हमने पूरा नहा लिए है। अभी वापस हम जा रही है। तो देखिए गाइस कितना भरा भरा यहाँ पे है। तो गाइस बीच बीच में बारिश हो रही है, तो हमने पूरा भीगे सुनो पापाण में। बाहर के बीच में जब बारिश होती है फिर बंद हो जाती है, इसलिए हम छाता लाए हैं, लेकिन छाता कोई काम का ही नहीं। वो पानी यहाँ तक भी बह रही है, वहाँ से आ रही ऊपर से। सुनो झरना में नहा के मजा आ गया? ठंडी भी लग रही है। सुनो पूरा गीला हो गई। सो गाइस हमने ना वाटरफॉल में पूरा सब भीग गए थे, आने के बाद हम लोग ने सब चेंज कर लिया ड्रेस। और यहाँ पे सुनो चेंज करने के बाद फिर सुनो का भूख लगने लगी, तो वो खा रही अभी चिप्स। और हमने आई के खा रही इडली। ये इडली मैं घर से लेके आई थी, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में मैंने इडली बनाई थी, तो मुझे लगा कि कहीं टाइम पे हमको रेस्टोरेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोच के मैंने टिफिन बॉक्स में चार इडली लेके आई थी। तो अभी पापा जी की खा ली और मैं भी एक खा रही हूँ। तो फिर हम अभी आगे जा रहे हैं, देखते आगे और क्या देखने के लिए मिलेगा, नहीं पता। सो फ्रेंड्स फाइनली हमने आगे एक ढाबा में लंच करने के लिए, क्योंकि जो घाट एरिया है ना, घाट एरिया के साइड में बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबा मिलता है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने इसी ढाबा पे आए, और यहाँ पे जो साइड में बहुत अच्छा सा व्यू है, लेक व्यू। और यहाँ पे हमने बुक किया है एक टेबल, जहाँ हमारा अभी ऑर्डर आ गया है फ्रेंच फ्राई, पेरी पेरी फ्रेंच फ्राई। उसके बाद हमारा आ गया बटर नान, और यहाँ पे सुनो की फेवरेट की पनीर बटर मसाला। सो गाइस इस रेस्टोरेंट में ना एक बहुत बड़ा वाला पिकॉक है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो पिकॉक कितना बड़ा है। यहाँ पे बैठा है, हर तरफ चारों तरफ बारिश ही बारिश है। और कितना सारे गाड़ियाँ यहाँ पे आए थे, अभी सब लोग का रिटर्न के टाइम है। सो वैसे आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हो एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।